दरभंगा नगर थाना परिषद में थाना अध्यक्ष के उपस्थिति में अंचला अधिकारी के द्वारा लगाया गया जनता दरबार। जी हां, दरभंगा नगर थाना परिषद में आज हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी थाना परिषद में थाना अध्यक्ष की उपस्थिति में सदर अंचल के द्वारा लगाया गया जनता दरबार। इसमें कई लोगों की अपनी अपनी समस्या को रखे। इस जनता दरबार में सबसे बड़ी समस्या जमीन विवाद की, जिससे अंचला अधिकारी ने सभी की बारी बारी से बात सुनी और सभी को दिशा निर्देश देते नजर आए। वही लोगों ने कहा कि थाना स्तर पर हम लोगों की सुनवाई होती है। सबसे बड़ी समस्या सुनील नायक का था, जिसके पास जमीन का सारा पेपर है, उसके बावजूद विजय नायक और उनके पूरे परिवार वालों उनके जमीन पर कब्जा बनाए हुए हैं। उनको इस जमीन कोई काम भी नहीं करने दे रहे हैं। इसको लेकर पूर्व में भी समस्या का समाधान कर दिया गया, उसके बावजूद विजय नायक बात मानने को तैयार नहीं है। अंचला अधिकारी ने कहा कि कानून का दरवाजा अपनाया जाए। सर, एक चीज ये अभी बोला है, अब बोला नहीं भाई, हम जो पूछे हैं उतना जवाब दीजिए। आपका क्या कहना है उसमें, आपका किसा बात बता रहे हैं? ऐसा तो है कि आप उनको जो कहेंगे वही सुनेंगे, आपका भी सुना जाएगा। वह यानी नगर थाना पर आप आए थे, आज शनिवार है, लोक अदालत लगाया गया है, सीओ साहब के द्वारा किस तरह का आदेश दिया गया आपको? वही कार्रवाई किया जाएगा। सीओ साहब बोले आपको निर्माण करने के लिए? हाँ बोले हैं, निर्माण आप करेंगे के लिए कोई बाधित करते हैं तो फिर से आप उस पर केस कीजिए। पूरा मामला क्या है? ये जमीन मेरे बाबूजी के नाम से थे, देख रेख लिए उनको मिला था, अब हमको घर निर्माण में बाधित कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, वही नहीं देने के कारण मारपीट करते हैं। इससे पहले भी मारपीट हुई आप? हाँ हुई है। तो आप कहाँ आए हैं आज? नगर थाना, यहाँ पर दो बार निर्माण हो चुका है, सीओ साहब के थ्रू हमको डिसीजन मिल चुका है, उसके बाद भी तीसरा बार ये सेकंड पक्ष के द्वारा आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है बार बार। हाँ, कहाँ पर का जमीन है? लालबाग वार्ड 19। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नायक। पिताजी का नाम? स्वर्गीय शत्रुघ्न नायक। जमीन किनका नाम था जो आपका? बाबूजी का नाम। क्या नाम बाबूजी का? स्वर्गीय शत्रुघ्न नायक। कितना कट्ठा? 1 कट्ठा 6 धूर 11 धूर। उसका सारा पेपर आपके पास अवेलेबल है? डेट पेपर है, रसीद है, सर्टिफाइड पेपर है, करेंट रसीद है, LTC है, ठीक दरके वाला है। तरह का निराकरण किए हैं दो पक्षों के बीच? अभी दोनों का कागज देखा गया तो बनारसी नायक ने एक प्लॉट खरीदा 8962 1 कट्ठा 6 धूर 11 धूर की 1956 में। उनकी पत्नी ने 1980 में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष को जमीन बेच दिया। अब जो है बनारसी नायक के पोता जो है उस जमीन पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जबकि उनका जो जमीन बचा हुआ है वो 8961 है, दूसरे के वाले से बनारसी नायक ने खरीद किया है जिस पर उनका पोजीशन है। तो पिछला बैठक में भी उनको बताया गया था, लेकिन ये बदमाशी पर उतर रहे हैं। तो सर आगे क्या आगे पहले पक्ष के फेवर में क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? पहले पक्ष के फेवर में क्या, इनको 107 की कार्रवाई की जाएगी, उनको यहाँ प्रतिबंधित किया जाएगा जाने के लिए, अव्यवस्था फैलाएंगे, फिर इन पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। क्या पहला पक्ष अपना निर्माण कर सकते हैं वहाँ? बिल्कुल। और उस पीरियड में अगर मारपीट करने के लिए उतरे तो क्या करेंगे? फिर क्रिमिनल केसेज में जाएंगे, क्रिमिनल केस प्रथम पक्ष करेंगे। 107 अभी चल मैंने कर दिया गया है 107, इसलिए इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, 107 की कार्रवाई की गई।